डर, जिसको कि हम फियर भी कहते हैं, ये एक इंसान को बुजदिल बना देता है, लेकिन ये हमारी किडनी को भी कमजोर बना देता है। अगर आपको जानना है कैसे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे इमोशंस का हमारे ऑर्गन्स पर क्या असर पड़ता है, और एक्यूप्रेशर की मदद से हमारे इमोशंस की वजह से हमारे उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जो प्रॉब्लम आ गई है, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की हेल्प से हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन ये जान लें कि किस ऑर्गन पर हमारे किस इमोशन का असर पड़ता है। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनका लिवर अफेक्ट होता है उनके गुस्से से। जो लोग हर समय चिंता वरी करते रहते हैं, उनके स्प्लीन पर इसका बुरा असर पड़ता है। जो लोग हर समय सैड, दुखी, शोक में रहते हैं, उनके लंग्स कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। और जो लोग हेट्रेड, नफरत की भावना बहुत ज्यादा रखते हैं, उनके हार्ट पर इसका बुरा असर पड़ता है। एंड फाइनली जो आज हम बात कर रहे हैं कि जो लोग हर समय डर में रहते हैं, उनकी किडनी कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो हम एक वीडियो में एक इमोशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डर का हमारी किडनी पर कैसे असर पड़ता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक सिंगल पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो हमारी किडनी को हेल्दी बनाएगा। एक्यूप्रेशर के अनुसार हर बच्चा एक एनर्जी लेकर पैदा होता है। ये एनर्जी उसे अपने पेरेंट्स से मिलती है और ये एक जेनेटिक एसेंस उसकी किडनी में स्टोर्ड होता है। और बर्थ के बाद जो उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो उसे उसके खाने पानी से मिलती है या हवा से मिलती है। और अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए हम जो रूटीन में खाना खा रहे हैं और जो एयर है हमारी सराउंडिंग में, जिसको हम ब्रीद कर रहे हैं, वो एनर्जी हमें मिलती है अपनी डे टू डे लाइफ के काम करने के लिए। जब कोई पर्सन अच्छे से अपने नरिशमेंट पर ध्यान नहीं देता है या फिर डर में रहता है, तो क्या होता है कि उसकी जो ये एसेंस, जेनेटिक एसेंस था, ये डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये हुई कि जो लोग हर समय डरे रहते हैं, वो अपने उस किडनी एसेंस को डिप्लीट कर लेते हैं, कमजोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी किडनी वीक हो जाती है। अब इसका वाइस वर्सा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बहुत जल्दी डर जाते हैं, पैनिक उनको एकदम से हो जाता है या शॉक लग जाता है, तो ये भी शो करता है कि उस पर्सन की किडनी वीक है, इसलिए उसका ये नेचर है। मतलब ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये वाइस वर्सा है। हर समय का डर हमारी किडनी के एसेंस को डिप्लीट करता है, और ये जेनेटिक एसेंस जब नेक्स्ट जेनरेशन में जाता है, तो ये अपने साथ उस डर को भी कैरी कर लेता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा माइंडफुलनेस से समझने की जरूरत है। डर एक ऐसा इमोशन है जिसको हम अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते, लेकिन उसको हम समझ सकते हैं। जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आई, हम डर गए, या कोई शॉक की कंडीशन हुई, तो हमें वो एक डेंजर को भी बता रही होती है वो सिचुएशन, और हमें कोई एक राइट डायरेक्शन भी बता सकती है अगर उसको हम सही तरीके से समझें। और एक डर हमें हमारे जो उद्देश्य, जो हमारा एक टारगेट था, वहां तक पहुंचाने में भी हमारी पॉजिटिवली मदद कर सकता है। तो हम डर को समझें और उसके भी जो पॉजिटिव साइड है उसको यूज करें, इंस्टेड कि हम अपना एक नेचर ही बना लें हर समय डरे डरे रहें। तो ये तो हुई एक डिफरेंट तरीके से डर को हैंडल करना, लेकिन एक्यूप्रेशर इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है। एक्यूप्रेशर में K4 नाम का एक पॉइंट है, जो कि हमारी मिडिल फिंगर में मिलेगा टुवर्ड्स रिंग फिंगर, जहां पर मैंने ये ब्लैक डॉट लगा दिया है। आप इस पर 2 से 3 बार प्रेशर दीजिए और यहाँ पर एक मेथी दाना अप्लाई कर दीजिए, दोनों हाथों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी। रात को लगाकर सो जाए और इसको सुबह हटा दें। जब आप ये ट्रीटमेंट यूज करेंगे, तो आपकी किडनी टोनिफाई होगी, विल पावर स्ट्रांग होगी, और डर की जो भावना हर समय बनी रहती है, वो भी दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने किडनी से रिलेटेड इमोशन की बात की, उसके क्या हम पॉजिटिव साइड देख सकते हैं, और कैसे एक्यूप्रेशर की मदद से हम उससे अपने को बाहर निकाल सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और इमोशंस और उससे रिलेटेड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। डिवाइन केयर की जो ट्रीटमेंट बुक्स हैं, जिनमें 400 से भी ज्यादा प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, ट्रीटमेंट हाथों पर दे
दिखाए हैं सिंगल पॉइंट है और ब्योल मैग्नेट की हेल्प से हैं। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं जो कि divinecareofficial.com के नाम से है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप और लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वेट कीजिए अगले आने वाली वीडियो का, जिसमें मैं किसी एक और इमोशन की बात करूंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।